सिंह बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद राज्यसभा परमादरणीय मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर से हमारे आए हुए विधायक माननीय विनय तिवारी जी, माननीय कुशल तिवारी जी, नंद किशोर जी, कपिल जी, पप्पू जी और नकुल जी, सभी की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप लोग जानते हैं कि 2022 बहुत करीब है, चुनाव आने वाला है। आप सब लोगों की कौशल देखते हुए ये निश्चित है कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनेगी। बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज का हमेशा से सम्मान होता आया है। यदुवंश का हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, चाहे वो टिकट देने का मसला रहा हो, चाहे वो अगुवाई देने का मसला रहा हो, सरकार बनने पर चाहे मंत्री बनाने का मसला रहा हो, बहुजन समाज पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है, या तो समाज को लेकर हमेशा साथ चली है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जातिगत रणनीति को देखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए, आप सब लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे और इस बात को घर घर पहुंचाएंगे कि हमारे अधिकार, हमारा सम्मान, हमारा मान बहुजन समाज पार्टी में उसी तरह सुरक्षित है जैसे अन्य पार्टियों में, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी सरकार बनेगी, आप खुद उसके प्रशासक बनेंगे। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग, हमारे युवा भाई, हमारे सभी लोग बुजुर्ग भाई, सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए निवेदन है कि सब लोग अपनी अपनी जगह हमारी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, आप अपनी पार्टी का जितना प्रचार प्रसार कर सके, जितना लोगों को जोड़ सके, वो हमारे लिए गर्व की बात होगी और हम निश्चित रूप से 2022 में सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, आपका बहुजन समाज पार्टी पे मान सम्मान बराबर रखा जाएगा जैसे हर जगह रखा, सबका रखा जाता है। जय भीम, जय भारत।